नेक्स्ट है फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डबल स्टार लगा लो इस पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम है टॉपिक का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि ये एयर है, ऊपर नीचे वाटर फिल किया हुआ है, ये एयर और नीचे क्या है यहाँ पे वाटर, ये दो अलग अलग मीडियम है, और ये ऊपर वाला जो सरफेस है जिसको हम इंटरफेस बोल रहे हैं, ये इन दोनों मीडियम को अलग कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस डेंसर मीडियम के अंदर एक लाइट का बल्ब लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, ओ पॉइंट के ऊपर एक लाइट का बल्ब लगा रखा है। अब ये जो बल्ब है इसे चारों तरफ लाइट एमिट होगी, ठीक है। मान लो कि कोई लाइट रे इस इंटरफेस के ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तो जो लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी वो बिना मुड़े सीधी पास हो जाएगी, ये रूल हमको याद है। तो ये वाली लाइट रे तो सीधी चली गई ऐसे, ठीक है। जो भी लाइट रे इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और लाइट रे लेंगे, उसको यहां पे किसी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करके देखेंगे। ये हमने दूसरी लाइट रे और उसको इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट किया। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, अब बताओ ये लाइट रे किधर मुड़ेगी, तो ये जा रही है डेंसर से रेयरर की तरफ, तो किधर मुड़ना है इसको, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से मुड़ गई। ये एंगल बना मान लो आई वन और ये एंगल है आर वन, ठीक है। आर वन की वैल्यू आई वन से ज्यादा ही है यहाँ पे, देख रहे हो, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है ना, इसलिए। अब मैंने लाइट रे को और ज्यादा एंगल के ऊपर इंसिडेंट किया, मान लो यहाँ पे लाइट रे को इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से ज्यादा है, दिखाई भी दे रहा होगा आपको, आई वन से ज्यादा एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट किया गया है, तो ये भी क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, इस तरीके से ये बैंड हो गई, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर टू। एक चीज नोटिस करो, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, पहले से ज्यादा ही होगा, आर वन से आर टू ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। अब मान लो कि आपने लाइट रे को और ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट किया, तो ऐसे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता ही जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट करते हो किसी आई थ्री एंगल के ऊपर, तो आप देखते हो कि लाइट रे एकदम इंटरफेस के पैरल हो गई, मतलब ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये कितना बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर बन गया, क्योंकि लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे हटती जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे इतनी ज्यादा हट जाएगी कि वो एग्जैक्टली इस इंटरफेस के पैरेलल चली जाएगी, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ऐसा होगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्या नाम है इसका, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, आगे बात समझ में, ठीक है। अब स्पेशल केस अब आएगा, देखो मान लो कि लाइट रे इससे भी ज्यादा, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल के ऊपर इंसिडेंट की जाती है इस पॉइंट के ऊपर, तो अगर लाइट रे को आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल के ऊपर इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट करोगे, मतलब आई फोर की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, तो आप देखोगे कि जो लाइट रे है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके वापस इसी डेंसर मीडियम में आ जाएगी, मतलब रेयर मीडियम में बाहर जाएगी नहीं, ठीक है, वापस से टकरा के इधर ही आ गई, नीचे ही आ गई, डेंसर मीडियम में आ गई, बात समझ में आई क्या। हमने शुरुआत से एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हमने देखा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री के बराबर हो गया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने नाम दे दिया क्रिटिकल एंगल। अगर लाइट रे को इससे ज्यादा एंगल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे हम इंटरफेस के ऊपर, तो हम क्या देखते हैं कि जो लाइट रे है वो टकरा के वापस से डेंसर मीडियम में ही आ गई, रेयर मीडियम में जा ही नहीं रही है, बाहर निकली ही नहीं वो। तो यहां पे इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में इसको TIR बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया लाइट रे का, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आपको पूछी जाएंगी, पहली कंडीशन, पहले तो ये चीज पूछी जाएगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस क्या हैं, तो क्या कंडीशन होंगी इसके लिए, लाइट रे को किधर से किधर जाना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहिए, तभी हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहला केस है, पहला जो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी चीज, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर
मीडियम। यह समझ में, लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए पहली चीज, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो गई तो लाइट का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज इस पे ये पूछी जाती है कि जो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और जो क्रिटिकल एंगल है उनमें आपस में क्या रिलेशन है। अब ये रिलेशन फाइंड करने के लिए हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर वाला जो मीडियम है वो एयर है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू वन, और नीचे वाटर है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू टू। तो ये जो पॉइंट है जहां पे क्रिटिकल एंगल हमने डिफाइन किया है, उस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लिखेंगे, म्यू वन साइन 90, म्यू वन साइन 90 बराबर होगा म्यू टू साइन सी, म्यू टू साइन सी। अब ये जो साइन सी है ये इधर ले जाएंगे, साइन 90 तो बन गया 1, और ये साइन सी इसके अपॉन में आ गया इक्वल टू, ये म्यू वन इसके नीचे लिख देंगे इधर म्यू टू के, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन बन गया ये, ठीक है। साइन सी को तो इधर लेके गए और ये म्यू वन इधर लेके आए, साइन 90 1 बन चुका इसलिए उसको 1 लिख दिया। म्यू टू अपॉन म्यू वन को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, म्यू टू वन बोलते हैं। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 1 अपॉन साइन सी के बराबर आ रहा है। यही है अपना रिलेशन क्रिटिकल एंगल और मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बीच में, ठीक है। इससे आप एक चीज और समझ सकते हो, जैसे इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, साइन सी बराबर आएगा 1 अपॉन म्यू टू वन। एक चीज नोटिस करना, अगर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इस डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अगर म्यू टू ज्यादा है तो जो म्यू टू वन है जिसका फॉर्मूला है म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये ज्यादा आएगा। अगर भाई सेकंड मीडियम ज्यादा डेंसर होगा तो म्यू टू की वैल्यू ज्यादा होगी, और म्यू टू ज्यादा होगा तो म्यू टू वन भी ज्यादा आएगा। तो अगर ये सेकंड मीडियम ज्यादा डेंसर है तो म्यू टू वन की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर म्यू टू वन ज्यादा होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, मतलब साइन सी की वैल्यू कम आएगी, समझ रहे हो बात। अगर म्यू टू वन ज्यादा होगा तो वन अपॉन म्यू टू वन क्या होगा, कम। वन अपॉन म्यू टू वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन सी को, यानी कि साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि क्रिटिकल एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि साइन फंक्शन की वैल्यू एंगल कम होने पे कम होती है, एंगल बढ़ने पे बढ़ती है, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल छोटा आएगा। तो जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा, याद रखना है ये। अब जैसे मैं कंपेयर करके बताता हूँ, जैसे ग्लास के लिए देखें तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, तो उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा एयर ग्लास इंटरफेस के लिए, जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो आता है 42 डिग्री के बराबर। कितना आता है, 42 डिग्री। और अगर डायमंड के लिए देखा जाए तो डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 2.4 के बराबर, ठीक है। ये तो ग्लास का है, ये डायमंड का है, तो डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो आएगा कम, यानी कि 24 डिग्री के बराबर। याद करना भी आसान है, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना, 42, और डायमंड के लिए इससे उल्टा, यानी कि 24, ठीक है, 42 और 24। ज्यादा किसके लिए होगा क्रिटिकल एंगल, ग्लास के लिए, कम किसके लिए होगा, डायमंड के लिए, क्योंकि डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो वो इस रिलेशन से हम बता सकते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर आपको याद रखनी है, क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली चीज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो कंडीशन है लाइट रे को डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से आएगी और इंटरफेस पे टकराएगी तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, याद रखना है ये। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही होगी तो हो सकता है कि कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ पार्ट मीडियम के अंदर चला जाए, लेकिन क्या 100% टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्या ये नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है, लाइट रे पूरे की पूरी टकरा के वापस से डेंसर मीडियम में तभी आती है जब वो डेंसर से रेयरर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। अगर रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी ना लाइट रे, तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है, उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे कि कुछ रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ रिफ्रेक्शन हो गया, लेकिन 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं वो नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ ही जानी चाहिए। दूसरी चीज आपको पूछी जाएगी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके अंदर जो क्रिटिकल एंगल होता है और जो मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन है म्यू टू वन बराबर 1 अपॉन साइन सी, ये भी हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर, ठीक है। और जो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसके लिए उतना ही क्रिटिकल एंगल कम आता जाएगा, ठीक है, क्लियर एकदम।
अब इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, डेली लाइफ में उसको हम कहां पे यूज करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। अब देखो पहला जो एप्लीकेशन है वो है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म के अंदर, मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को आपको 90 डिग्री से या 180 डिग्री से घुमाना है, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है मान लो वर्टिकली रखा है और इसकी इमेज हॉरिजॉन्टल बनानी है, या फिर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है इसकी इमेज एकदम 180 डिग्री से घुमानी है मतलब उल्टा इमेज बनानी है, तो इस काम के लिए हम जो प्रिज्म यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं राइट एंगल प्रिज्म, और इनको टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म भी बोला जाता है। तो इन प्रिज्म को यूज करके आप ये काम कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को 90 डिग्री या 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हो। अब कैसे ये रोटेट करेंगे वो समझते हैं। देखो ये है एक राइट एंगल प्रिज्म जिसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री और बाकी दो एंगल इसमें 45 डिग्री रखे जाते हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे 45 डिग्री, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर वाले फेस की तरफ रखते हो, मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, अब सपोज करो इसे दो लाइट रेज आ रही है, एक तो ए पॉइंट से और एक बी पॉइंट से, और दोनों इस प्रिज्म के इस वाले फेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। अब एक रूल आपको याद होगा कि जो भी लाइट रे किसी भी इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी वो विदाउट डेविएशन सीधी पास होगी, वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, तो ये दोनों लाइट रे क्या होंगी सीधी चली जाएंगी आगे की तरफ, अब ये यहां पे पहुंचेंगी। अब यहां पे किस एंगल के ऊपर ये इंसिडेंट हो रही है चेक कर लेते हैं, देखो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 45 डिग्री, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये नीचे वाला एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, तो इस इंटरफेस के ऊपर जो इंसिडेंट रे है उसने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया है 45 डिग्री, इसी तरीके से इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो ये 45 डिग्री ही आएगा। तो दोनों लाइट रे यहाँ पे 45 डिग्री एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.5, और उसके अकॉर्डिंग जो ग्लास एयर इंटरफेस होगा, ग्लास और एयर का जो इंटरफेस होता है इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकल के आता है 42 डिग्री, कितना निकल के आता है 42 डिग्री, ये आपको याद भी रखना है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों लाइट रे कितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है 45 डिग्री एंगल पे, जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और दूसरी चीज कि ये दोनों ही लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, भाई ये तो ग्लास ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है ना, तो ग्लास से किसकी तरफ जा रही है एयर की तरफ, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों कंडीशन पूरी हो गई, पहली कंडीशन लाइट रे को डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाना चाहिए, दूसरी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगी, ये दोनों ही यहाँ पे पहुंचेंगे, और क्योंकि यहाँ पे इस इंटरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है इसलिए बिना मुड़े ये सीधी निकल जाएंगी, आया समझ में, ये क्या होगा बिना मुड़े सीधी निकल जाएंगी, ठीक। अब ये वाली जो लाइट रे है ये ए पॉइंट से आ रही है, तो इस लाइट रे के ऊपर ए पॉइंट की इमेज बनेगी जिसको ए डैश बोल देते हैं, और ये वाली लाइट रे बी पॉइंट से आ रही है तो यहाँ पे बी पॉइंट की इमेज बनेगी बी डैश, दोनों को मिला दो तो ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश, जो ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में 90 डिग्री पे घूम चुकी है। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था और इमेज कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट वर्टिकली रखा है इमेज हॉरिजॉन्टल बन रही है, मतलब कितने एंगल से घूम गई इमेज 90 डिग्री से घूम गई। तो ये काम अगर आपको करवाना है तो इसके लिए हम एक राइट एंगल प्रिज्म यूज करेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को 180 डिग्री से घुमाना है तब भी हम राइट एंगल प्रिज्म यूज कर सकते हैं, तब इसको ऐसे यूज करना है, देखो ये एंगल अपना 90 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या होंगे इसमें बाकी के 45 डिग्री के बराबर होंगे। अब मान लो यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये अपना ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से मान लो दो लाइट रे इस पहले इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, अब ये दोनों लाइट रे कैसे पास होंगी, तो अगर ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो सीधी चली जाएंगी इस तरीके से, बिना मुड़े ये सीधी चली जाएंगी। फिर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, अब नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रही है, तो ये एंगल 45 दिखा रखा है, ये 90 होगा, ये 45 बनेगा, तो ये नीचे वाला एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री के बराबर होगा, इधर भी ये एंगल 45 डिग्री के बराबर होगा, आया समझ में। अब अगेन यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है ना, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए लाइट रेज का, तो ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये दोनों लाइट रे नीचे आ जाएंगी। अब ये दोनों
इस इंटरफेस के ऊपर पहुंची। यहाँ पे अगेन अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे और नॉर्मल से इंसिडेंट रेज का एंगल मेजर करोगे तो ये 45 डिग्री के बराबर आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री के बराबर आएगा। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन पूरी हो रही है, लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये लाइट रे यहाँ पे परपेंडिकुलर इस इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगी तो ये सीधी निकल जाएंगी बाद में, ठीक है। अब देखो ए से आने वाली लाइट रे ये थी, तो इसके ऊपर ए पॉइंट की इमेज बनेगी ए डैश, और बी से आने वाली लाइट रे ये है, तो इसके ऊपर बी पॉइंट की इमेज बनेगी बी डैश। इन दोनों को मिला दो तो देखो इमेज इन्वर्टेड बनी है यहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा बनी है। इसका मतलब इमेज 180 डिग्री से घूम गई यहाँ पे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को 90 डिग्री या 180 डिग्री से घुमाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए राइट एंगल प्रिज्म यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये काम तो मिरर से भी करवाया जा सकता है, किसी मिरर को ऐसे रख दो तो इसके ऊपर लाइट गिरेंगी रिफ्लेक्ट होगी नीचे आ जाएंगी, ऐसे इसमें दो मिरर लगा दो, एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो, लाइट रेज गिरेंगी टकरा के इधर आएंगी फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएंगी। तो इन दोनों में फर्क क्या है, फिर प्रिज्म क्यों यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे कौन सी फिनोमेना हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर किसी मिरर के ऊपर आप लाइट रे को इंसिडेंट करोगे तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करता। और रिफ्लेक्शन के टाइम पे 100% लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कुछ लाइट मिरर एब्जॉर्ब भी कर लेता है। एक मिरर है उसके ऊपर आप जितनी भी लाइट डालोगे उसका कुछ पार्ट वो क्या करेगा, खा जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी का पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगा। मान लो 10% खा गया और 90% उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो अगर ऐसा करेगा तो जो लाइट रेज है, जो लाइट एनर्जी है उसका लॉस हो जाएगा, तो उससे जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी डल बनेगी। जबकि ये जो ग्लास प्रिज्म है ये क्या कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। इसका मतलब इससे बनने वाली जो इमेजेस होती हैं वो ज्यादा क्लियर और ब्राइट होती है। तो इसके लिए हम ये जो राइट एंगल प्रिज्म है ये यूज करते हैं। आया समझ में? ठीक है, बिल्कुल आसान है। फिर इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली एप्लीकेशन से भी ज्यादा है, स्टार भी लगा लो इसके ऊपर। ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या होता है, तो मेनली इसको हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। पहले इसकी वर्किंग समझते हैं, उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन बताता हूं आपको डेली लाइफ के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर, बाल जितने पतले पतले फाइबर होते हैं, जो अपने बाल होते हैं ना, इतने पतले, बिल्कुल पतले थ्रेड्स होंगे, बिल्कुल पतले ग्लास के बने हुए या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बने हुए पतले से फाइबर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। अब एक ऑप्टिकल फाइबर को मैं यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के इसको मैं समझा रहा हूँ इसकी वर्किंग को। तो ये मान लो कि एक ऑप्टिकल फाइबर है अपने पास में, ठीक है। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर दो लेयर्स होती है, एक तो इनर लेयर होती है, ये इनर पार्ट होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर। और इसके बाहर एक और लेयर होती है ग्लास की। इन दोनों लेयर्स का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ये आउटर लेयर होगी। तो जो इनर पार्ट है उसको हमने क्या बोला? कोर। और जो आउटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्लेडिंग। क्या बोलेंगे इसको? क्लेडिंग। ये नाम याद रखने आपको। मान लो कि जो क्लेडिंग है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है μ1, और जो कोर है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है सपोज करो μ2। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके अंदर जो इनर पार्ट है यानी कि कोर, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होता है आउटर पार्ट की कंपेरिजन में। यानी कि ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और बाहर जो दूसरी लेयर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास की दूसरी लेयर है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कंपैरेटिवली कम होगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा वो समझो। मान लो कि कोई लाइट रे इसके ऊपर आपने इंसिडेंट करी, तो ये जो लाइट रे है जब इस इंटरफेस के ऊपर पहुंचेगी, इस इंटरफेस के इधर तो क्या है, रेयरर मीडियम, और अंदर क्या है, डेंसर मीडियम, क्योंकि ये ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम, मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो ये तो क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, और जो कोर वाला मीडियम है वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, और अगर आपने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा सेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट रे टकराएगी यहाँ पे और टकरा के टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे पहुंचे लाइट रे, अगेन यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे पहुंचेगी लाइट रे, अगेन यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरीके से बार बार टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हुए लाइट रे काफी दूरी तक ट्रेवल कर सकती है। अच्छा, कितनी दूरी तक इससे लाइट ट्रेवल कर पाएगी, तो लगभग एक ऑप्टिकल फाइबर से 100 किलोमीटर तक लाइट को हम ट्रेवल करवा सकते हैं
इसी तरीके से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हुए कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर, काफी ज्यादा है ये डिस्टेंस। अगर आप एक टॉर्च जलाते हो तो उसकी लाइट कुछ दूरी तक जाएगी, उसके बाद में एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है वो, ठीक है, ज्यादा दूरी तक आप उसको भेज नहीं पाओगे। लेकिन इससे जो लाइट आप भेज रहे हो एक तरह से ऑप्टिकल फाइबर से, वो कितनी दूरी तक पहुंच सकती है, 100 किलोमीटर तक। तो क्या लाइट को भेजने के लिए इसको यूज करते हैं? नहीं, लाइट को भेजने के लिए यूज नहीं करते, हम सिग्नल्स को भेजने के लिए यूज करते हैं। हम उस सिग्नल को जिसको भेजना होता है उसको लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, फिर अगली जगह पे उस लाइट सिग्नल को हम रिसीव कर लेंगे और उसको वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो मेनली जो इसका यूज है ऑप्टिकल फाइबर का, वो कहाँ पे होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर होता है, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में होता है। जो आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हो ना आज के टाइम पे, वो ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से ही इतना हाई स्पीड से मतलब डेटा इधर से उधर जाता है। जो इंटरनेट है उसमें जो डेटा एक्सचेंज होता है, इधर से उधर डेटा जाएगा, उधर से इधर आएगा, तो उसकी स्पीड ज्यादा किस वजह से होती है? क्योंकि उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स यूज किए जाते हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये लाइट की स्पीड से सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। भाई लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, तो किसकी स्पीड से जाएगा? लाइट की स्पीड से। और लाइट की स्पीड नेचर में सबसे ज्यादा होती है, 3×10^8 m/s। तो देखो कितनी हाई स्पीड से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है इससे। तो पहला जो यूज है याद रखना है, इसका यूज क्या है? इन कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। आप बोलोगे सर इसके लिए तो हम एंटीना से भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरलेसली, रेडियो वेव्स के थ्रू, वो भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल होगा, लेकिन उसको हर कोई रिसीव कर सकता है। ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा वो एक तरह से ज्यादा सिक्योर होता है, ज्यादा सिक्योर होगा, हर कोई उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने बीच में केबल काट भी दी तो उसको लाइट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसलिए ज्यादा सेफ मानी जाती है, ज्यादा सेफ्टी से हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह इसके थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंटीना से अगर आप सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे तो कोई भी रिसीवर लगा के उसको रिसीव कर लेगा सिग्नल को, तो उसमें सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई बेनिफिट है इसके, जैसे एक वायर्ड मीडियम से अगर आप बोलोगे सर कॉपर वायर से सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे हम, तो कॉपर वायर से अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे तो एट ए टाइम एक ही सिग्नल उसमें से ट्रांसमिट किया जा सकता है, जबकि एक ही ऑप्टिकल फाइबर से आप 100 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लाइट सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हो। मतलब एक ही ऑप्टिकल फाइबर 100 वायर्स के बराबर काम कर रहा होगा, तो ये ज्यादा यूजफुल हो गया ना एक तरह से, ठीक। तो ज्यादा स्पीड से सिग्नल ट्रांसमिट किया जा सकता है, ज्यादा सिक्योरिटी से हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसमें खराब होने वाली चीजें भी मिनिमम है। जैसे कॉपर वायर है या और कोई मेटल वायर होगा तो उसमें टाइम के साथ में वो खराब हो सकता है, टाइम के साथ में मॉइस्चर वगैरह की वजह से खराब हो सकता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर बनाए जाते हैं ग्लास के, अब ग्लास के ऊपर मॉइस्चर वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये ज्यादा लंबे टाइम तक ये काम आते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, एक और यूज होता है इसका और वो है एंडोस्कोपी के अंदर। दूसरा यूज कहां पे है इसका? इन एंडोस्कोपी। ये क्या चीज है भाई? जो पेट का ऑपरेशन होता है ना उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। पेट से रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं, पथरी का ऑपरेशन हो गया है ना, या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, इस टाइप के से जो ऑपरेशन होते हैं ना पेट से रिलेटेड, तो उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? उसमें आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है दूरबीन से ऑपरेशन। दूरबीन से ऑपरेशन मतलब उसमें क्या करता है डॉक्टर? पेट के अंदर एक छोटा सा कैमरा डालता है और उससे स्क्रीन के ऊपर देखता है कि पेट के अंदर कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे गड़बड़ है, तो वहां पे उसको वो ऑपरेशन कर देता है फिर स्क्रीन पे देख के, ठीक है। तो वो जो कैमरा पेट के अंदर डाला जाता है, अब पेट के अंदर लाइट होनी चाहिए ना भाई, कैमरा इमेजेस को कब कैप्चर करेगा? जब जहां पे लाइट होगी, तो लाइट सिग्नल को ही तो कैमरा कैप्चर करता है। तो अगर आपने पेट के अंदर एक छोटा सा कैमरा आपने डाल भी दिया तो वो इमेजेस कैप्चर करेगा ही नहीं, क्योंकि पेट के अंदर रोशनी तो है नहीं, पेट के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, और बल्ब डाल नहीं सकते पेट के अंदर। तो क्या करेंगे हम? एक ऑप्टिकल फाइबर का एक बंडल लेंगे पतला सा, उसको कैमरे के साथ में अटैच कर देंगे, फिर वो कैमरा जहां भी जाएगा ऑप्टिकल फाइबर उसके साथ रहेगा, और ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे सिरे पे हम लाइट डालेंगे तो उधर से लाइट निकलेगी, तो वो कैमरा जो इमेजेज है वो कैप्चर कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से यूज करते हैं, तो एंडोस्कोपी में यूज करते हैं पेट का जो ऑपरेशन है ना, ये नाम याद रखो एंडोस्कोपी बोलते हैं उसको। पेट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन जिसमें कैमरे के थ्रू जो किया जाता है ना, उसमें हम क्या यूज करेंगे? ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है एकदम?